और होना तो ये चाहिए कि नेकी का सिला नेक मिले, अच्छा मिले, बदी का सिला बुरा मिले, अक्ल कहती है। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं कि नेकोकार हलाल खाने वाले बमुश्किल सूखी रोटी खा सकते हैं, इस्तेस्नात है, लेकिन आम मामला तो यही। हराम खोर, धोखा देने वाले, सूदी कारोबार करने वाले, हेरोइन का कारोबार करने वाले, मनशियात का कारोबार करने वाले, इंसान के सिफरी जिनसी जज्बात को भड़काकर आमदनी हासिल करने वाले वो ऐश कर रहे हैं। तो उसूल तो ये है कि गंदुम अस गंदुम पे रोयत जौ से जौ, गंदुम से गंदुम उगनी चाहिए, जौ से जौ उगना चाहिए। ये क्या हो रहा है यहां, नेकोकारों को क्या मिला? नस्ल इंसानी का सबसे बड़ा नेक इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई कई वक्त के फाके आते थे, उनकी नेकी का कोई सिला दिया जा सकता है दुनिया में सिवाय इसके कि उन पर दुरूद पढ़े? अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब्दिका व नबीका व रसूलिका व खलीलिका मोहम्मदिन व बारिक व सल्लम, दुरूद पढ़े। और बदतरीन इंसानों को आप क्या सजा दे सकते हैं? हिटलर ने अगर खुदकुशी न की होती तो आप अगर फॉरसेप्स से लेकर उसका एक एक रुआ रुआ निकालते और उसके मसल्स का भी एक एक जो है अलहदा कर देते तो क्या उसके जराइम की सजा हो जाती? करोड़ों इंसान कत्ल हुए, लाखों नहीं, पूरा यूरोप बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ, खुद उसका मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा तबाही का जो है वो निशाना बना। तो दुनिया में हमने जजा और सजा का कुछ निजाम कायम किया है, लेकिन यहां ना जजा उतनी दी जा सकती है जितना कि कोई शख्स मुस्तहिक है जिसने पूरी जिंदगी इसी में लगाई कि खैर का प्रचार किया और बदी से रोका दो, यही अपना वक्त सलाहियत वो पैसा कमाने में खर्च कर सकता था, उसने लगा दिया अपने आप, कौन उसे सिला देगा यहां? तो क्या सिला होगा उसका? और जिन लोगों ने लोगों को गुमराह किया, शैतान के चेले बन गए, हजारों लाखों इंसानों को गुमराही की तरफ धकेल दिया, उनको यहां क्या सजा दी जा सकती? लिहाजा साबित हुआ ये दुनिया नामुकम्मल है, एक दुनिया एक आलम और होना चाहिए और वो अबदी होना चाहिए ताकि पूरी पूरी भरपूर सजा मिले और पूरा पूरा भरपूर अजर दिया जा सके। ये है मंतिक और अकल का तकाज़ा। खैर और शर ये फितरत है, फितरत खैर खैर है, शर शर। आजकल की दुनिया में तो कह दिया जाता है नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स सो। नहीं, नेकी नेकी है, बदी बदी है, और इंसान फितरी तौर पर जानता है ये नेकी है ये बदी है। ये मॉरल लॉ है, मैंने कांट का हवाला दिया, दी मॉरल लॉ विद इन, हमारे अंदर है। इसका तकाजा ये है कि नेकोकारों को उनकी नेकी की जजा मिले, बदकारों को उनकी बदी की सजा मिले। वो यहां पूरा नहीं होता, अव्वल तो मुजरिम पकड़े ही नहीं जाते, फिर रिश्वतों के धंधे हैं छूट जाते हैं, जजों को खरीद लिया जा सकता है, बड़ा जो माहिर वकील है वो जितने गवाह खड़े हैं उस मुजरिम के खिलाफ उन सब को काट लेता है जिरह करके। फर्ज कीजिए ये सारे मरहले तय कर लिए, मैंने मिसाल दी थी एक बूढ़ा आदमी है जिसने जवान को कत्ल कर दिया, आजकल क्या होता है कि उंगली की हरकत ही है ना, पिस्टल से शूट कर दिए। अब आपने फर्ज कीजिए सारे मराहिल तय करके उसे फांसी की सजा दे दी तो क्या सजा बनी उसकी? वो जिंदगी गुजार चुका, खा पी चुका, अपने बच्चों को पाल पोस चुका, वो बच्चे अपनी अपनी जगह पर हैं, उसकी बीवी भी या बूढ़ी है या मर चुकी है। अब उस नौजवान का जवान बीवी जो है वो बेवा हुई, छोटे छोटे बच्चे यतीम, और ये बच्चे अब बाप की शफकत और बाप की निगरानी से, सर पर साया नहीं रहा है बाप का, और उनके आवारा होने का इम्कान बहुत शदीद है। वो आवारा होंगे तो कहां कहां तक उनकी आवारगी माशरे के अंदर गंदगी फैलाएगी। इंसान के आमाल एक वो है जो वो अपनी जिंदगी में आगे भेजता है, मेरे और आपके आमाल जमा हो रहे हैं, क्रेडिट और
डेबिट हो रहा है, वहां हिसाब किताब हो रहा है। एक वो आमाल के असरात है जो पीछे छोड़ कर जाते, बिमा कद्दम व अखर, वो जो पीछे असरात है। आज जो कोई नमाज पढ़ रहा है वो हुजूर के तुफैल ही पढ़ रहा है, जो रोजा रख रहा है वो हुजूर के तुफैल रोजा रख रहा है, हुजूर ही ने सिखाया था। इसीलिए कहते हैं अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन बेअदद मन सल्ला व साम, बारिक अला मुहम्मदिन बेअदद मन काम, सजदा व काम कह लीजिए, रका व काम कह लीजिए, अल्लाह मोहम्मद पर दरूद भेज उन सब की तादाद के हिसाब से जो नमाज पढ़ रहे हैं रोजा रख रहे हैं। इसलिए कि वो मेहनतें मुशक्कतें 23 बरस की थी जिनका ये नतीजा निकल रहा है। तो ये है ईमान बिल्लाह से ईमान बिल आखिरत तक फितरत और अक्ल की रहनुमाई।